कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जहां मूवी का लीड कैरेक्टर विनायक राव अपने बेटे को कहानी नरेट कर रहा था। वो कहता है कि सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी, जिसके पास कभी ना खत्म होने वाला सोने और अनाज का भंडार था। जब ब्रह्मांड बना था, तब पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, जिनमें से पहला बच्चा उनका सबसे प्रिय था और उस बच्चे का नाम हस्थर था। फिर कुछ समय बाद हस्थर ने अपनी ही माँ का सोना चुरा दिया, जिसके बाद वो अनाज चुराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बाकी के देवी देवताओं ने हस्थर को मारकर धूल के कणों में बदल दिया। इसके बाद देवता उसके ऊपर आखिरी बार करके उसे मार नहीं वाले थे, पर तभी वहां हस्थर की माँ ने आकर हस्थर को बचा लिया था। साथ ही हस्थर को बचाने के पीछे उनकी एक शर्त होती है कि हस्थर की अब से कहीं पूजा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पुराणों और ग्रंथों से उसका नाम हटा दिया जाएगा। इसके बाद पूर्ति की देवी उसे अपनी कोख में रख लेती है। अब कुछ समय बीतने के बाद विनायक राव के पूर्वजों ने हस्थर का मंदिर बनवाया और उसे पूजने लगे, जिस कारण उनसे सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं और अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए तुम्बाड पर लगातार भारी बारिश करते हैं। अब कहानी शुरू होती है 1930 में। ये मूवी का पहला चैप्टर है। यहाँ हम तुम्बाड में ज्योति नाम की एक महिला को देखते हैं, जो कि सरकार के बाड़े में जा रही होती है। असल में ये बाड़ा सरकार नाम के पंडित का होता है, जो कि उस बाड़े का आखिरी बचा हुआ पंडित था। ज्योति सरकार के पास से सोने की मुद्रा लेने के बदले सरकार के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ सरकार ज्योति से कहता है कि सोने की मुद्रा आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। इसके बाद हम ज्योति के बच्चों को देखते हैं, जिसके बड़े बेटे का नाम विनायक राव है, जो इस मूवी का लीड एक्टर भी है। वहीं इसके छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है। ये दोनों घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी माँ सरकार के यहाँ से आने में लेट हो गई थी। अब दोनों आपस में बात करते हैं कि दादी को इस बार खाना कौन देगा। असल में इनके घर में एक बूढ़ी औरत है, जिसे सभी दादी कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये दादी उनकी नहीं, बल्कि उस पंडित सरकार की ग्रे ग्रैड मदर थी। अब दोनों घर के अंदर जाकर दादी के लिए खाना बनाते हैं, जहां विनायक अपने छोटे भाई से दादी को खाना देने को कहता है। तभी उनकी माँ वहां आ जाती है और सदाशिव को दादी के पास जाने से रोक लेती है। इसके बाद वो खुद ही खाना लेकर दादी के पास जाती है और हमें पता चलता है कि दादी की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। देखने में उनका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था, पर अभी भी वो जिंदा थी। इन लोगों ने दादी को एक चैन से बांधकर अलग कमरे में रखा हुआ था। अब रात में विनायक राव अपनी माँ से सोने की मुद्रा के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे मना कर देती है कि उसे आज भी मुद्रा नहीं मिली है। ये सुनकर विनायक कहता है कि अगर सरकार हमें मुद्रा नहीं देगा तो हम उसकी दादी का ध्यान नहीं रखेंगे। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि मुद्रा कोई मजाक नहीं है, उसे कमाना पड़ता है। तभी ज्योति को दादी के जागने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डर कर दादी के पास जाती है, जहां दादी ज्योति से बार बार अपने आप को आजाद करने को कह रही होती है, लेकिन ज्योति दादी के पास जाकर कहती है कि सो जा वरना हस्थर आ जाएगा। तभी हम हैरान करने वाला सीन देखते हैं कि दादी ज्योति के ऐसा बोलने के बाद सच में सो गई है। अगली सुबह में ज्योति को पता चलता है कि सरकार की मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार चल रहा होता है। इसके देखने के बाद ज्योति अपने घर आती है और अपने बच्चों से रात में उनका सामान पैक करने का बोल अगली सुबह तुम्बाड को हमेशा के लिए छोड़ने का कहती है, जिस पर विनायक कहता है कि उन्हें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, अब तो सरकार का बाड़ा हमारा हो जाएगा और उसके अंदर का खजाना भी हमारा होगा। अब विनायक की माँ उससे कहती है कि सरकार अपनी पूरी जिंदगी बाड़े में खजाना ढूंढता रहा, लेकिन खजाना उसे नहीं मिला और गांव के लोग उन्हें बाड़ा नहीं मिलने देंगे, इसलिए वो तुम्बाड़ छोड़कर पूना जाएंगे, और रही बात सरकार की दादी की तो वो उसे यहीं पर छोड़ देंगे। अब अगली सुबह विनायक और सदाशिव बातें कर रहे होते हैं कि पूना कैसा है, जिस पर विनायक उसे बताता है कि पूना में बिना बैल की गाड़ियां होती हैं और वो बहुत बड़ा गाँव है। इसी दौरान सदाशिव जिस पेड़ पर बैठा था उसकी डाली टूट जाती है और सदाशिव पत्थर पर गिर जाता है और उसके सर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद विनायक दौड़कर अपने घर जाता है और अपनी माँ से वो सदाशिव के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सदाशिव को लेकर इलाज करवाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। साथ ही वो जाते जाते विनायक को कहती है कि आज उसे ही दादी को खाना खिलाना होगा और अगर वो जाग जाए तो उसे कहना होगा दादी सो जा वरना हस्थर आ जाएगा। विनायक को ये लाइन कुछ ठीक से समझ नहीं आती कि आखिर हस्थर कौन है। रात में विनायक को अकेले घर में डर लग रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से खाना बनाने के लिए घर के डब्बे चेक करता है। तभी आटे का डब्बा उसके सर पर गिर जाता है और इसी समय विनायक को दादी के रोने की आवाज़ आती है,
जिसके बाद वो डरते हुए दादी के पास जाता है जो बार बार खाना मांग रही थी। विनायक डर कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दादी उसके सामने खजाने का नाम लेती है, जिसे सुन विनायक के मन में लालच आ जाता है और वो दादी के पास चला जाता है और दादी से खजाने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर दादी उसे खाना खाने के बाद खजाने के बारे में बताने को कहती है। अब विनायक खाना बनाने के लिए जल्दी से बाहर आ जाता है और दादी को सुलाने के लिए माँ का बताया हुआ सेंटेंस याद करने लगता है। तभी उसके पीछे दादी आ जाती है जो विनायक के पैर में चैन बांध देती है। इसके बाद दादी उसे खाने के लिए उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है। विनायक बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे लाइन याद नहीं आ रही होती है जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। अब जैसे ही दादी विनायक की गर्दन उड़ाने वाली होती है उसे वो लाइन याद आ जाती है। वो दादी को हस्तर का नाम लेकर सोने को कहता है और दादी वहीं सो जाती है। तभी विनायक की मां घर आ जाती है क्योंकि सदाशिव की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। अब ज्योति और उसका एक बेटा विनायक ही बचे हुए थे। ये दोनों अगली सुबह पूना के लिए निकल जाते हैं। जब रास्ते में विनायक घर वापस चलने की बात करता है और कहता है कि वो दादी से कैसे भी खजाने का पता लगा लेंगे। जहां रास्ते में विनायक घर वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि वो दादी से किसी भी तरह खजाने का पता लगा लेंगे। विनायक की बात सुनकर उसकी माँ उसे एक सोने की मुद्रा देती है और उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन विनायक अपनी माँ को अभी भी वापस तुम्बाड चलने का कहता है क्योंकि वहां उसे एक मुद्रा नहीं बल्कि बहुत सारा खजाना चाहिए। विनायक की मां अब समझ चुकी थी कि लालच के कारण ही उसके पति की मौत हुई और उसका बचा हुआ एक बेटा भी मारा जाएगा, इसलिए वो विनायक को मारते हुए गुस्सा करती है और उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी तुम्बाड नहीं आएगा। अपनी माँ को परेशान देखकर विनायक उसकी बात मान लेता है और वो दोनों पूना चले जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जो कि मूवी का चैप्टर 2 है। इसमें हम विनायक को एक गाड़ी से उतरता हुआ देखते हैं और ये जगह तुम्बाड थी, यानी विनायक के मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो 15 साल बाद इसीलिए ही यहाँ वापस आया था। अब विनायक सीधे अपने घर जाता है। घर के अंदर उसे वही दादी मिलती है जिसके शरीर के अंदर पेट घुस गया था, लेकिन अभी भी दादी का दिल धड़क रहा था। विनायक दादी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि खजाने का राज तो उसे दादी से ही पता चलने वाला था। अब विनायक दादी के लिए खाना बनाता है और दादी से खजाने का पता पूछता है। इस पर दादी उसे लालची बुलाते हुए कहती है कि तू फिर से यहाँ खजाने के लिए पहुंच गया है, जिस पर विनायक दादी से कहता है कि खजाना मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। साथ ही खजाना मिलने पर दादी को भी खजाने का हिस्सा देने के लिए कहता है, जिस पर दादी उसे कहती है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं। दादी विनायक से कहती है कि वो उसे जान से मार डाले क्योंकि वो अब और जीना नहीं चाहती, जिस पर विनायक दादी से डील करता है कि अगर वो उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताएगी तो वो उसे मार कर मुक्त कर देगा। अब दादी उसे बताती है कि आज से बहुत साल पहले जब वो जवान थी तब वो कुएं में उतरने के लिए सबसे तेज हुआ करती थी। ये सुन विनायक को पता चल जाता है कि खजाना बाड़े के कुएं में है, इसलिए अब विनायक बाड़े में जाता है जहां 3 महीने की मेहनत के बाद उसे वो कुआं मिल जाता है और साथ ही उसके अंदर कैसे उतरना है उसे ये भी पता चल जाता है, लेकिन उसे कुएं से खजाना कैसे बाहर निकालना है ये उसे अभी भी नहीं पता होता। इसलिए वो फिर से दादी के पास जाता है और दादी से खजाना निकालने के बारे में पूछता है। दादी उसे सारे तरीके बता देती है और विनायक अपनी शर्त के अनुसार दादी को हमेशा के लिए मारकर मुक्त कर देता है, जिसके बाद विनायक खजाना निकालकर अपने घर पूना चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी ने आटे का व्यापार खोल लिया है क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और विनायक कई महीनों के बाद घर वापस आया था। विनायक अपनी पत्नी के ऐसा काम करने के कारण उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी पत्नी को खुश होकर कहता है कि उसे अब वो रानी की तरह रखेगा। इसके बाद विनायक अपने इलाके के मुनीम के पास जाता है, जहां मुनीम विनायक से कहता है कि वो अफीम परमिट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है और जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तो विनायक को अपने पास काम के लिए रख लेगा। असल में विनायक ने मुनीम से कर्जा लिया था और मुनीम को लग रहा था कि वो कर्जा नहीं चुका पाएगा, इसलिए उससे काम करवाकर पैसे चुकाने को कहता है। लेकिन विनायक मुनीम को एक सोने की मुद्रा दे देता है और उसकी कीमत पूछता है, जिसे देख मुनीम को लगता है कि वो चोरी का माल है। विनायक उसे बताता है कि वो उसकी पुस्तैनी मुद्रा है जिसकी कीमत मुनीम 100 रुपये बताता है। विनायक का सिर्फ 38 रुपये उधार था, जो कि मुद्रा मुनीम को देने के बाद मुनीम पर ही 62 रुपये बच गया था। विनायक मुनीम को कहता है कि उसके पास ऐसी 300 मुद्राएं और हैं जिन्हें मुनीम उससे खरीद लेता है। इसके बाद विनायक तुम्बाड जाकर सोने की मुद्रा लाने लगता है। फिर एक दिन मुनीम पूछ ही लेता है कि क्या तुम तुम्बाड से हो। साथ ही वो उससे ये भी पूछता है कि सरकार के बाड़े में सच में कोई खजाना है या फिर ये एक अफवाह है, जिस पर विनायक कहता है कि ये अफवाह नहीं है, वहाँ सच में खजाना है, जिसके बाद मुनीम और वो हंसने लगते हैं।
क्योंकि मुनीम उसकी बातों को मजाक में ले रहा होता है। अब कई बार विनायक तुम्बाड़ से कभी 8 मुद्राएं और कभी सिर्फ 2 मुद्राएं ही लाता है, जिसे देख मुनीम उससे पूछता है कि वो एक साथ सारी मुद्राएं क्यों नहीं लाता, पर विनायक उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन जब वो 16 मुद्राएं लेकर आता है तो मुनीम उससे कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो ये सभी मुद्राएं खरीद ले, लेकिन विनायक उसे ये मुद्राएं दे देता है और उसके ऊपर अपना उधार कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक समय पर विनायक के ऊपर मुनीम का कर्जा हुआ करता था। अब ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन मुनीम विनायक के घर जाता है, तभी उसकी नज़र विनायक के पैर पर पड़ती है जिसमें चोट लगी हुई होती है। मुनीम सोचता है कि विनायक को ये चोट शायद खजाना निकालते हुए लगी होगी। अब जाते हुए मुनीम विनायक से कहता है कि वो उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना ले, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है जो कि वो खुद अकेले संभाल नहीं पाएगा, जिसके लिए उसे एक मैनेजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। विनायक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम संभाल लूँगा। अब ऐसा करते करते विनायक बहुत अमीर हो जाता है और वो अपने लिए एक बाइक ले लेता है। इसी दौरान विनायक एक लड़के का फादर बन जाता है और अमीर होने के साथ साथ उसकी अय्याशियाँ भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन मुनीम को विनायक के घर पर एक लड़की को लाते हुए देखते हैं, जिसे मुनीम विनायक से 800 रुपये में सौदा करके बेच देता है। जब विनायक की पत्नी उस लड़की के बारे में पूछती है तो वो उसे मेड बताता है, यानी कि नौकरानी, और घर के ऊपर बने एक कमरे में उसे रहने की जगह दे देता है। अब रात हो जाने पर वो लड़की विनायक से 50 रुपये की मांग करके उसे खास जानकारी देने को कहती है, इसलिए विनायक उसे 50 रुपये दे देता है, जिसके बाद वो लड़की बताती है कि मुनीम ने उसे एक गाँव से 50 रुपये में खरीदा था और मुनीम तुम्हें 2 दिन यहाँ घर में ही व्यस्त रखना चाहता है और मुझे तुम्हें इसीलिए ही बेचा है ताकि मैं तुम्हें यहाँ बिजी रखूँ ताकि वो खुद तुम्बाड़ जाकर खजाना लूट सके। इसके बाद हम मुनीम को तुम्बाड़ में देखते हैं, जहाँ वो बाड़े में खजाना ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ विनायक पहले से ही पहुँच जाता है और छुपकर मुनीम के ऊपर नजर रखता है। अब विनायक उस कुएं में उतरने लगता है, जिसे उतरते हुए मुनीम देख लेता है, जो कि विनायक की ही चाल थी और उसे पता था कि मुनीम उसे देख रहा है। थोड़ी ही देर बाद विनायक उस कुएं में से सोने की मुद्रा बाहर लाता है और ये सब देख मुनीम समझ जाता है कि खजाना कुएं में है, इसलिए विनायक के जाने के बाद वो भी उस कुएं में उतर जाता है, जहां उसे एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है जिसे खोलने पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो कि नीचे की ओर जा रहा था। मुनीम रस्से की मदद से नीचे उतर जाता है। ये पूर्ति की देवी यानी हस्थर की माँ की कोख थी जो लाल रंग की दिखाई दे रही होती है। यहाँ मुनीम को महसूस होता है कि ये जगह सांस ले रही है। इसके बाद मुनीम वहाँ रखे एक बॉक्स को देखता है, जिसे वो खोलने लगता है, जिसके अंदर एक आटे का बना हुआ पुतला होता है। मुनीम जैसे ही उस पुतले को अपने हाथ में पकड़ता है तो आटे की खुशबू से वहाँ हस्थर आ जाता है, जो मुनीम के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद अब विनायक कुएं में आता है और मुनीम को तड़पती हुई हालत में देखता है। असल में हस्थर के काटने के कारण मुनीम श्रापित हो गया था, जिस कारण उसकी हालत सरकार की दादी की तरह हो गई थी। उसे ऐसा देख विनायक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने कई बार विनायक की मदद की थी, इसलिए वो मुनीम को हस्थर के नाम से डराकर सुला देता है और खुद खजाने के लिए तैयारी करने लगता है। अब सबसे पहले वो एक आटे का घेरा बनाता है, फिर आटे से बने पुतले को निकाल कर हस्थर को बुलाता है, लेकिन हस्थर विनायक के पास नहीं आ सकता था क्योंकि उसने अपने आप को आटे के घेरे में बंद कर लिया था। हस्थर अपने श्राप के कारण अपनी मर्जी से आटे को छू नहीं सकता था, जब तक कि कोई इंसान अपनी मर्जी से वो आटा उसे ना दे दे। अब यहाँ हस्थर को आटा ना मिलने से बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मुनीम के हाथ को तोड़कर खाने लगता है। ये देख विनायक आटे का पुतला घेरे के बाहर फेंक देता है और हस्थर उस आटे के पुतले को खाने लगता है। इसका फायदा उठाकर विनायक हस्थर के पीछे लटकती हुई पोटली को खोल देता है और उससे निकली सोने की मुद्राएं उठाने लगता है। इसके बाद वो हस्थर के आटे के पुतला खाने से पहले जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मुनीम को आग में जलाकर मुक्त कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका हाल दादी जैसा हो। यहाँ अब हम सभी व्यूअर्स को क्लियर हो जाता है कि विनायक किस तरह सोने की मुद्राएं लाया करता था और हस्थर के काटने से श्राप लग जाता है जो कि दादी को भी लगा हुआ था। इसके बाद हम विनायक की पत्नी को देखते हैं, जो कि घर में आई उस लड़की को मार रही होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसके पति के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद वो उस लड़की को घर से बाहर निकाल देती है और विनायक इस पर कुछ भी नहीं बोलता। अब इसी तरह विनायक की लाइफ चलती रहती है। वो तुम्बाड़ जाता है और खजाना लाकर उससे मस्ती करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और विनायक की उम्र बढ़ती गई, जहां विनायक की 2 जुड़वा लड़कियां हो गई थी और उसका लड़का भी अब बड़ा हो गया है। उसका एक पैर खराब था।
विनायक अपने ही घर में अपने बेटे को एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाकर देता है, जहां पर वो कुएं में नीचे उतरने और खजाना लाने की प्रैक्टिस करता है और रोजाना इस बात को नोट करता है कि उसने ये काम कितने समय में पूरा किया। एक दिन हम विनायक राव को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जिससे वो सामने वाले से अगले हफ्ते मुद्रा देने को कह रहा होता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बताता है कि वो कल तुम्बाड़ निकलने वाला है। साथ ही वो अपने लड़के पांडुरंग को भी तैयार करने को कहता है। जब पांडुरंग को अपनी माँ से पता चलता है कि उसे अगले दिन पापा के साथ तुम्बाड़ जाना है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिनों से वो इस दिन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। अब अगली सुबह विनायक की पत्नी आटे से भरा डब्बा विनायक को दे देती है, जिसके बाद विनायक और पांडुरंग तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। तुम्बाड़ पहुंचकर विनायक अपने बेटे को आटे की गोलियां बनाना सिखाता है और वो उस पुतले में पत्थर डलवाता है, जिससे कि हस्तर को वो पुतला खाने में टाइम लगे और वो उस टाइम का फायदा उठाकर उसका बहुत सारा खजाना उठा सके। अब दोनों पूर्ति देवी की कोख में उतर जाते हैं, जहां पांडुरंग एक आटे की गुड़िया अपने कपड़े में छुपाकर लाया था। जब विनायक आटे का घेरा बनाकर पांडुरंग से आटे की गुड़िया वाली थैली निकालने को कहता है, तो वो अपने साथ लाई हुई गुड़िया को देने लगता है। तभी वहां हस्तर आ जाता है और पांडुरंग घेरे के बाहर गिर जाता है। विनायक कैसे भी करके अपने बेटे को घेरे के अंदर लाता है और रस्सी पर चढ़कर वापस ऊपर जाने लगता है, लेकिन पांडुरंग के मन में लालच था, इसलिए वो हस्तर की पोटली खोलकर सोने की मुद्राएं उठाने लगता है। फिर वो जैसे ही रस्सी पर चढ़ता है तो हस्तर उसका पीछा करने लगता है। जैसे तैसे करके ये दोनों बड़ी मुश्किल से ऊपर आते हैं। बाहर आकर विनायक अपने बेटे को मारने लगता है, क्योंकि विनायक ने उसे आटे की गुड़िया साथ रखने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो अपने साथ गुड़िया ले गया था, जबकि इस बार वो पांडुरंग को सिर्फ ट्रायल के लिए साथ लाया था। अब घर आने के बाद पांडुरंग की माँ उससे पूछती है कि उसने वहाँ पर क्या देखा, जिस पर पांडुरंग अपनी माँ को कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे विनायक ने इसके लिए मना किया होता है। इसके बाद हम विनायक को एक राजा से बात करते हुए देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि तुम्बाड़ अब भारत सरकार की प्रॉपर्टी हो गई है। असल में ये वक्त 1947 का था, जब भारत आजाद देश बन गया था। विनायक ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद से वो अब खजाना नहीं चुरा पाएगा। वहीं हम पांडुरंग को उसके घर में रह रही उस लड़की के पास जाते हुए देखते हैं। वो उससे कहता है कि जिस तरह मेरे बाबा तेरे पास आते हैं, वैसे ही वो बड़ा होकर उसके पास आया करेगा। साथ ही वो अपने पास रखी सोने की मुद्रा भी उसे दे देता है। फिर रात में वो अपने पापा से बात करता है, जहां वो बताते हैं कि अब से वो तुम्बाड़ से खजाना नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सरकार वहां ताला लगा देगी। पांडुरंग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए विनायक उसे अपनी खुफिया तिजोरी दिखाता है, जिसमें बहुत सारा सोना और पैसे रखे हुए थे, जिसे देखकर पांडुरंग बहुत खुश हो जाता है। अब रात को जब विनायक उस लड़की के पास जाता है, तो वो उसे सोने की मुद्रा दिखाते हुए कहती है कि ये उसे पांडुरंग ने दी है। ये देखकर विनायक को बहुत गुस्सा आता है और वो पांडुरंग के पास जाकर उसे बुरी तरह मारने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसी की तरह बने। पर पांडुरंग अपने पापा से भी ज्यादा चालाक था। वो पिटते हुए भी अपना लालची दिमाग चलाता है और अपने पापा से कहता है कि उन्हें हस्तर के लिए एक गुड़िया की जगह बहुत सारी गुड़िया ले जानी चाहिए, जिससे वो खाने में बिजी रहेगा और हम दोनों को सोना उठाने का टाइम मिल जाएगा। ऐसा करने पर उनके पास में एक ही बार में बहुत सारा सोना आ जाएगा। उसका ये आइडिया सुनकर विनायक बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो एक दिन आखिरी बार तुम्बाड़ जाते हैं और बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर कुएं में चले जाते हैं। अब वो जैसे जैसे आटे की गुड़िया बाहर निकालते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे हस्तर वहाँ आने लगते हैं, यानी जितनी गुड़िया वो यहाँ लाए थे उतने ही हस्तर वहाँ आ जाते हैं, जो उन दोनों को घेर लेते हैं। पर वो उस आटे की लाइन के कारण बचे हुए थे, जिसके बाद वो सभी आटे की गुड़िया बाहर फेंक देते हैं, जिसे खाने के लिए सारे हस्तर एक दूसरे से लड़ते हुए गुड़िया खाने लगते हैं। तभी गलती से एक हस्तर उस घेरे के अंदर आ जाता है, जिस कारण वो बुरी तरह से जलकर भस्म हो जाता है। अब इन दोनों के पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि हर तरफ हस्तर ही हस्तर थे। इसलिए विनायक अपने पूरे शरीर में बचे हुए आटे की गोलियां बांध लेता है और घेरे से बाहर जाने का डिसाइड करता है। ऐसा करके वो यहाँ से अपने बेटे को जिंदा बाहर निकालना चाहता था। खैर, पांडुरंग ऐसा करने से अपने पापा को बहुत रोकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर विनायक कुएं से ऊपर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे हम सभी हस्तर को जाते हुए देखते हैं, जो बाहर बने घेरे के संपर्क में आते ही भस्म हो जाते हैं और सारे हस्तर मारे जाते हैं। इसके बाद पांडुरंग सही सलामत बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर अपने पापा को श्रापित देखता है, क्योंकि हस्तर ने विनायक को भागते वक्त काट लिया था। अब जब विनायक अपने बेटे को सोने से भरी पोटली देता है, तो वो उसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद वो अपने पापा को जलाकर मुक्त कर देता है,
जिससे कि उनका हाल दादी की तरह ना हो। यहाँ पांडुरंग को समझ आ जाता है कि ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है और वो रोते हुए अपने घर से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।